खीर रेडी है, आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, साबूदाने की खीर कितनी अच्छी बनी है हमारी, आप भी ऐसी खीर ज़रूर बनाइएगा। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, मैं सुनीता। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ साबूदाने की खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साबूदाने को हमें 2 से 3 पानी धो लेना है। एक बार धो लिया है, अब दूसरी बार भी धुलेंगे अच्छे से। साबूदानों को मसल मसल के धुलेंगे ताकि जो भी इसका वाइट सा होता है ना इसके अंदर, वो निकल जाए, बिल्कुल साबूदाना बढ़िया साफ हो जाए। एक गिलास पानी डाल देंगे और 2 से 3 घंटे के लिए साबूदाना को रख देंगे ताकि साबूदाना अच्छे से फूल जाए। एक चम्मच देसी घी डालेंगे कढ़ाई में, थोड़े से ड्राई फ्रूट काजू और बादाम लेंगे और हल्का सा इन्हें रोस्टेड कर लेंगे घी में। रोस्टेड हो गए हैं, निकाल लेंगे। साबूदाने भी फूल चुके हैं, 2 घंटे तक भिगो के रखा था, अच्छे से फूल गए हैं। और अब कढ़ाई में भूनेंगे। धीमी आंच में ही सिर्फ 1 मिनट तक साबूदानों को भूनना है। साबूदाने को 1 मिनट तक देसी घी में भून लिया है। अब डालेंगे दूध। दूध मैंने फुल क्रीम लिया है, 1 लीटर दूध, और दूध को उबाल लिया है। दूध हमें उबाल के ही डालना है, कच्चा दूध नहीं डालना। अगर कच्चा दूध हम डालेंगे साबूदाने में तो दूध जो है फट जाएगा, खीर फट जाएगी, इसलिए पहले दूध को उबाल लेना है और उबला दूध ही साबूदाने की खीर में यूज करना है। अच्छे से चलाना है, बराबर चलाते रहना है। अगर हम बराबर नहीं चलाएंगे तो साबूदाने जो है चिपकने लग जाएंगे कढ़ाई में, इसलिए बराबर ही चलाना है। और इतना पकाना है कि ये जो दूध है ये पककर गाढ़ा होने लग जाए, गाढ़े होने तक दूध को पकाना है। फ्रेंड, ड्राई फ्रूट में मैंने ओनली काजू बादाम लिए हैं, और आपकी मर्जी है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं। आप किशमिश भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं। इलायची डाल देंगे, 8-9 छोटी इलायची को मैंने कूट लिया है, और कूट के इलायची भी डाल दी है। अब चलाना है, देखिए दूध गाढ़ा होने लगा है। ड्राई फ्रूट डाल देंगे, ड्राई फ्रूट को मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है। आधी कटोरी चीनी डाल देंगे, मीठा आप अपने टेस्ट के अनुसार डालना। आधी कटोरी यानी कि 6 से 7 चम्मच चीनी है ये। अब चीनी डालने के बाद 1 मिनट तक चलाते रहेंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। फ्रेंड्स, हमारी साबूदाने की खीर तैयार है, और खीर अब गाढ़ी हो चुकी, कटोरी में सर्व करेंगे। गरम गरम सर्व करेंगे बाउल में। खीर रेडी है, आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर देंगे। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।